छोटे से शहर की नन्ही लड़की अचानक ही बनी राजकुमारी, न समझू कि कैसे करूँ सही, सीखना बहुत आगी। महली हूँ सबके संग में रहती, गुरुकुल ऐसा जो है राजसी, मेरे इंतजार में दुनिया है सपनों की, खुश हो के मैं बनी। जानूंगी मैं कैसी शाही जिंदगी है, कप्स। सोफिया हमें एक और बार दिखाओ ना, ऊपर नीचे खरगोश के कान के बाहर ले जाओ और देखो बन गई दोस्ती की गांठ। आओ इसे कसने में मेरी मदद करो। यहाँ आओ बटरकप्स। कैसी है माँ? मैं तुम्हारी मुलाकात पेग और मैग से करवाना चाहती हूँ। मैं मैग हूँ और ये पेग है। माफ करना। कोई बात नहीं, हमारा भाई भी हमें पहचानने में गलती करता है, पता नहीं क्यों मुझे भी नहीं, हम कितने अलग हैं। वो तो तुम हो। चलो मैग और पेग का एक बढ़िया बटरकप स्वागत करते हैं। बटरकप्स बटरकप्स हम हैं प्यारे, बटरकप्स बटरकप्स हम हैं निराले। तो मैग और पेग को उनके बटरकप जैकेट्स कौन देना चाहेगा? मैं दूंगी मिसेस हैंशा। शुक्रिया सोफिया। ओ मैं कितनी खुश हूँ। ओ मैं उससे भी ज्यादा खुश हूँ। ओ मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ। अब तुम बटरकप्स बन चुकी हो। शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे दल में एक राजकुमारी है। यकीन नहीं हो रहा, हम महल में है। ये तो रानी जी का बड़ापन है जो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। हमें खुशी हुई हेलेन। अरे ये क्या है और ये हमारे पास क्यों नहीं है? ये बैचेस हैं, हमें उन्हें खबाना पड़ता है। एक बटरकप बाहरी दुनिया खोजती है और नई नई चीजें सीखती है। तुम जो भी नया काम करोगी उसके लिए तुम्हें एक बैच मिलेगा जो तुम जैकेट पर लगा सकती हो। मुझे ये वाला तैरने के लिए मिला, ये वाला पक्षियों को बुलाने के लिए और ये वाला यूनिकॉर्न पहचानने के मुझे लिए। भी यूनिकॉर्न्स देख रहे हैं। और कोई भी बटरकप जिसका पूरा जैकेट बैजेस से भर जाएगा उसे मिलेगा एक खास सूरजमुखी बैज। और कल तुम्हें बहुत सारे बैजेस कमाने का मौका मिलेगा क्योंकि हम पेपर ट्री जंगल में जा रहे हैं जहाँ पर कुदरत की यात्रा करेंगे। तैयार रहना। हम सर्दियों में फिसलने के लिए वही जाते हैं, मुझे वो जंगल पसंद है। मेरे जितना तो नहीं। मैं उस यात्रा के लिए बेताब हो रही हूँ, मुझे बस अपना जैकेट भरने के लिए एक और बैच की जरूरत है। सिर्फ एक? मुझे अभी भी तीन चाहिए। मुझे दो चाहिए। हमें चाहिए बहुत सारे। फिक्र मत करो, कल तुम बहुत बैच जीत सकती हो। जाने का वक्त हो गया है लड़कियों। बटरकप्स बटरकप्स कल फिर मिलेंगे। बटरकप्स बटरकप्स बहुत मजे करेंगे। बेलीवेक, योद्धाओं की अगली बैठक हम गोल मेज पर करेंगे। पिताजी। कैसी हो सोफिया? अरे वाह, तुमने ये क्या पहना हुआ? मेरी बटरकप की पोशाक। बटरकप्स कल पेपरट्री जंगल में यात्रा के लिए जा रही हैं। अब जरा एक मिनट रुक जाइए, पता नहीं जंगल किसी राजकुमारी के जाने लायक जगह है या नहीं। ओ, इन्हें कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि राजकुमारी बनने से पहले सोफिया एक बटरकप थी। और सनफ्लावर बैच हासिल करने के लिए मुझे बस एक ही बैच की जरूरत है। इजाजत दे दीजिए पिताजी। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो? रूबी की माँ भी वहाँ होंगी, सोफिया वहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। पर वो गिर गई तो फिर उन्हें अपने आप उठकर खड़ा होना पड़ेगा। हुजूर इजाजत हो तो, मैं बचपन में एक स्काउट था और बाहर के इलाके की खोज करने से मुझे वो सारे गुण मिले जिन्हें मैं आज तक इस्तेमाल करता हूँ। मुझे लगता है वहाँ जाकर राजकुमारी सोफिया बहुत कुछ सीख पाएंगी। यही तो। मैं कुछ समझी नहीं। बेलीविक सोफिया के साथ जाएंगे। मैं बेलीविक पिताजी? हाँ, आपको स्काउट का तजुर्बा है इसलिए सोफिया की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए बेलीविक से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और उसे एक भी खरोंच।